गाइस वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आ गया हूँ चाणक्यपुरी। चाणक्यपुरी के दोस्तों मैं आप सभी को कौटिल्य मार्ग पर लेकर आ गया हूँ और आज मैं आप सभी को दिखाने वाला हूँ जो जो देश दोस्तों G20 समिट में शामिल है उन देशों के यहाँ पर इस पूरे जो बड़ा पार्क बना हुआ है दोस्तों इसके अंदर वो उन सभी के नेशनल एनिमल्स लगाए गए हैं। और दोस्तों ये सब खास बात यह है कि दोस्तों यहाँ पर सभी जो एनिमल्स लगाए बनवाए गए हैं ये सभी वेस्ट मटेरियल तरीके से बने हुए हैं, जैसे कि वेस्ट मटेरियल सिलेंडर और भी कई सारी रॉड्स पाइप्स इन सभी का इस्तेमाल कर कर ये पूरा एरिया तैयार किया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देरी के बगैर आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो मेरे चैनल पर नया है सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली सभी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों आज का ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। बाकी यहाँ देख सकते हो दोस्तों जो ये पार्क है इसकी एंट्री यहाँ से होती है, देख सकते हैं ये एंट्री गेट है यहाँ का ये पूरा और यहाँ से होती है इसकी एंट्री। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से अंदर की तरफ, ये देखते हैं। तो चलिए दोस्तों अब करते हैं इस पूरे पार्क का फुल टूर। बात करें दोस्तों कि आप इस पूरे पार्क में कैसे आ सकते हैं, यहाँ की लोकेशन क्या रहने वाली है। दोस्तों यहाँ की जो सबसे ये दोस्तों जो ये पार्क बना हुआ है दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों ये जो पार्क है दोस्तों ये कौटिल्य मार्ग शांति पथ रास्ते में ही दोस्तों ये शांति पथ मार्ग जो है उसी के ही रास्ते में दोस्तों यहाँ का जो नियरेस्ट गोल चक्कर है उसी के ही साथ में आप आगे बढ़ेंगे वहीं आपको ये पार्क देखने को मिल जाएगा। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कई सारे देशों के यहाँ पर नेशनल एनिमल्स बनाए गए हैं। ये देख सकते हैं दोस्तों कितने सारे वेस्ट मटेरियल से, शायद ये दोस्तों ये चीता या शेर है, ये देख सकते हैं आप पूरा दोस्तों ये देख पा रहे होंगे काफ़ी सुंदर तरीके से। दोस्तों वेस्ट रोड जो होती है दोस्तों वेस्ट पाइप से, ये देख सकते हैं आप कितने उससे पूरा ये काम करवाया गया है, ये देखिए। और बिल्कुल रियल लगता है देखने में, ऐसा लगता है दोस्तों बिल्कुल रियल तरीके से पूरा बना है। ये देखिए इसके पूरे पैर देखिए दोस्तों बिल्कुल ही, और यहाँ पर भी एक और एनहैमस्टर लग रहा है दोस्तों ये पूरा देखने में, ये देखिए। ये दोस्तों ये ऑस्ट्रिच लग रहा है ये देख सकते हैं। और इसके अंदर देखिए दोस्तों साइकिल के जो अंदर जो रिंग होती है दोस्तों ये पूरा उस टाइप का ये पूरा ये लग रहा है, ये देख सकते हैं। और ये शायद बाइक में इस्तेमाल होता है ये पूरा। तो ये देखिए दोस्तों पूरा जो सिस्टम है ये पूरा बाइक कार और भी कई ऐसी व्हीकल्स है जिनमें से इसका पूरा जो, और ये देखिए दोस्तों इसमें कितने सारे पाइप्स, ये देखिए कितने सिस्टम यहाँ लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ देखने को मिल जाती है बर्ड, ये देख पा रहे हैं आप कितने सुंदर तरीके से पूरी इसकी आँख देखिए दोस्तों, आँखों में पता नहीं किस चीज़ से पूरा ये गोल एरिया पूरा बनवाया गया है, ये देख पा रहे हैं। और ये देखिए पूरा इसको पूरा शेप गिन दिया गया है पूरा मेटल का, ये पूरा ये सरफेस जिससे इस्तेमाल किया गया है। बाकी दोस्तों इसका तो पता ही नहीं चल रहा है किस चीज़ से पूरा बनाया गया है, ये देखिए पूरा एरिया, ये पूरे इसके पंख देखिए पूरी तरह तैयार किए गए हैं, ये देखिए इसके पंजे नीचे से। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं यहाँ से आगे की तरफ। बाकी ये जो हमने ये जो पक्षी बन रहे हैं यहाँ, तो दोस्तों यहाँ तो हमने देख लिए पक्षी, अब देखते हैं पशु जो एनिमल्स है वो देखते हैं दोस्तों वो किन चीज़ों से पूरे वेस्ट मटेरियल से पूरा बनाया गया है। तो बढ़ते हैं दोस्तों यहाँ से आगे की तरफ और पार्क का जो है पूरा फुल टूर करते हुए अब आगे देखते हैं एनिमल्स और कौन कौन से बना रखे हैं। चलिए ये देख पा रहे होंगे दोस्तों आप यहाँ पर रखे हुए हैं देखिए कई सारे एनिमल्स, यहाँ देखने को मिलता है मोर, ये देखिए ये पूरा मोर कितने सुंदर तरीके से भाई दोस्तों, बिल्कुल ही मोर के जो पंख है बिल्कुल ही रियल ही लग रहे हैं देखने में बिल्कुल। ये जो कि दोस्तों वेस्ट मटेरियल है बाइकों के जो काफ़ी सारे पार्ट्स होते हैं दोस्तों उन सभी को इस्तेमाल कर बाइक के पार्ट्स का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, ये देख सकते हैं। बाकी मोर के अंदर का जो पूरा सिस्टम है ये देखिए, इसमें ये पूरी चीज़ें लगाई गई हैं, पेच जो लगाए जाते हैं दोस्तों पेच के ये पूरा ये सिस्टम लगे हुए हैं, ये देख सकते हैं। और ये देखिए पूरा स्प्रिंग है यहाँ पर, और ये देखिए चैन भी है, चैन का इस्तेमाल किया गया है। और ये पूरा एरिया पीछे का ये पूरा देखिए एरिया मोर का, बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से पूरा जो काम है वो किया हुआ है, ये देख पा रहे हैं। बाकी ये मोर के पंख देखिए बिल्कुल कटिंग कर करके बिल्कुल ही रियल बना रखे हैं, दूर से देखो तो दोस्तों जब ये आने वाले टाइम में अच्छे से पूरा जब तैयार होकर निकलेगा तो कुछ काफ़ी अच्छा लगेगा, ये देखें। बाकी यहाँ देखने को मिलती है शायद ये दोस्तों ये स्पैरो है, ये देखिए
यहाँ देखिए कितने सुंदर तरीके से। और एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, जो ये स्पैरो बना रखे है ना, इसमें स्कूटर का वो ले रखा है पीछे का बैक साइड का हिस्सा, ये देख सकते हैं ये जो पूरा हिस्सा है, ये पूरा का पूरा मेटल और पूरा स्कूटर के पीछे का वो सिस्टम लिया हुआ है, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर शायद चैन हुए हैं, चैन है दोस्तों, ये पूरी पूरी चैन से इसका पूरा ये स्टैंड तैयार किया गया है, ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए स्पैरो का जो पंजे हैं वो पूरे इस चीज़ से बना के तैयार किए गए हैं, ये देखिए। और ये पूरा इसका रॉड, पूरा ये जो रॉड्स हैं ये देखिए, ये रॉड्स से इसकी पूरी बॉडी को तैयार किया गया है, ये देख पा रहे हैं आप। बाकी इसके पूरे पंखे ऊपर ये देखिए। अब बारी आपको बुल दिखाने के, देख सकते हैं बुल है ये शायद, ये देखिए सींग विंग बना के पूरा तैयार कर रखा दोस्तों। और जो ये पूरा बुल है इसका जो काम किया गया है वो पूरा का पूरा सिलेंडर से कर रखा है, ये देख सकते हैं। इसके ऊपर जो ये पूरा जो एरिया है ये देखिए, ये पूरा सिलेंडर ही सिलेंडर से पूरा सिलेंडरों को पूरा कटिंग कर करके दोस्तों इसका जो पूरी बॉडी है वो ज़्यादा का सिलेंडर से ही तैयार की गई है, ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए कहीं कहीं तो दोस्तों इंडियन गैस लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए पूरा ये सिलेंडर की शेप है, जो छोटे बड़े सिलेंडर्स आते हैं उन सभी की उससे इस्तेमाल कर कर यूज़ कर 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 दोस्तों इस पूरे बुल को तैयार किया गया, ये देख सकते हैं। बाकी ये देखिए पूरा सींग तैयार किए गए, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें लगाई गई हैं जिनके बारे में दोस्तों हमें खुद भी नॉलेज नहीं है कि ये चीज़ें क्या क्या हैं। बाकी ये देखिए बुल की आँखें देखिए किन चीज़ों से बनाई गई है, ये देख पा रहे हैं आप। यहाँ देखिए दोस्तों ये जो पूरा एरिया है, जो यहाँ का जो पूरा काम करवाया गया दोस्तों वो G20 की तरफ से कराया गया है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये देखिए पूरा G20 का ये पूरा लोगो आप ये पूरा देख पा रहे होंगे, ये देखिए अभी कुछ काम रह रहे हैं जो कि अभी यहाँ होंगे, ये देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी तरीके से पूरा लाइट वाइट से पूरा ये सजा दिया जाएगा, ये देख पा रहे हैं। बाकी दोस्तों यहाँ पर अलग अलग कंट्रीज़ के यहाँ देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर पीछे की तरफ और सारे यहाँ पर एनिमल्स रखे हुए हैं, ये देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा हैन यानी मुर्गा पूरा रखा हुआ है, ये देख सकते हैं। बाकी कुछ कुछ एनिमल्स हैं जो कि अभी यहाँ पे चल रहा है काम, वो भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुए हैं। बाकी यहाँ पर शायद ये हिरण है, ये देख सकते हैं, हिरण को तैयार किया गया और काफ़ी अलग अलग उससे पूरे ये काम किया गया, ये देख पा रहे हैं। दो हिरण शायद खड़े किए गए, ये देखिए एक कंगारू है, ये देखिए कंगारू में दोस्तों पन किस किस चीज़ों से पूरा ये एरिया लिया गया, ये देख पा रहे हैं आप। ये देखिए बाकी ये देखिए पूरा एरिया, बाकी ये देखिए दोस्तों कंगारू की जो पूंछ है वो पूरी चैन बाइक की चैन से बना हुआ है, ये देख सकते हैं। और ये देखिए शायद घरों के बर्तनों का भी इस्तेमाल किया गया, ये पूरी कढ़ाई है शायद, ये देखिए। और ये देखिए बाकी ये यहाँ पर सरिये हैं, सरियों से इसका इस्तेमाल किया गया। और ये देखिए कंगारू तो बना ही रखा है, कंगारू के पेट में बच्चा भी बना रखा है, ये देख पा रहे हैं आप, ये देखिए नीचे की तरफ। और इसको भी काफ़ी अलग अलग तरीके से बाइक के ब्रेक व्रेक से पूरा ये इसके कान मुंह पूरा बना रखा है, ये देख पा रहे हैं हम, ये देखिए। और काफ़ी सुंदर लग रहे हैं दोस्तों ये बने हुए, दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हैं। और इस तरफ ये देखिए, बाकी देखिए दोस्तों एक और यहाँ पर वेस्ट मटेरियल से काफ़ी बेहतरीन चीज़ यहाँ पर बनाई गई है, ये देख सकते हैं। एक और एनिमल जिसमें ब्रेक के स्प्रिंग और भी कई सारे नट और भी बाइक की ये पूरा ये जो बाइक के ज़्यादातर दोस्तों यहाँ पर मुझे सिस्टम देखने को मिले हैं, ये देख सकते हैं। कई सारे यहाँ पर पूरा बाइक के सरिये बाइक के ब्रेक्स यहाँ पूरा लगाया गया। और जो ये एनिमल है काफ़ी खतरनाक लग रहा है देखने में, ये काफ़ी खतरनाक सा लग रहा है, ये देख सकते हैं। बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों ये जो पूरा शेर है, ये देखिए शेर से पहले दोस्तों आपको दिखाता हूँ यहाँ की ये जो हैन बना रखी है मुर्गी, काफ़ी बड़े साइज़ में मुझे इस पूरे एनिमल्स में एक तो ऊँट और एक पूरी ये मुर्गी देखने को मिली है, देख सकते हैं। बाकी मुर्गी के नीचे का हिस्सा जो है वो पूरा का पूरा चैन से बना रखा है। बाकी कई सारे बर्तनों का इस्तेमाल किया गया है, और सबसे ज़्यादा सरियों और पाइपों का इस्तेमाल किया गया, ये पूरे सरिये और पाइप है जिनका ज़्यादातर इस्तेमाल कर कर पूरा बनाया गया, पीछे से ये देख सकते हैं। ये देखिए पूरा शार्प मेटल से ही पूरा पीछे का जो पंख होते हैं पूरे मुर्गियों के पूरब से बनाया गया है। बाकी बात करें शेर की, ये देख सकते हैं शेर का इस्तेमाल तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरा का पूरा दोस्तों सरियों से ही किया गया है, ये देख सकते हैं। यहाँ से शुरू होता है चेहरा और यहाँ पर भी सरियों का इस्तेमाल है, ये देख सकते हैं पूरा पीछे तक पूंछ तक सरिये से ही तैयार की गई है। बाकी मुंह भी देख सकते हैं पूरा सरिये ही सरिये है, ये देखिए। और आँखों पर शायद दियों का इस्तेमाल किया गया, ये देखिए दियों की पूरा यही दिए हैं शायद,
ये देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी अच्छा लगता है कि वेस्ट मटेरियल जो कि फेंक दिए जाते थे उनका इस्तेमाल किया जा रहा है आज के टाइम में। ये देख सकते हैं ये पूरा ऊँट है, ऊँट की पीठ है, पीठ पर देखिए काफ़ी सारे पेंच है जो बाइकों में इस्तेमाल होते हैं। ये देखिए पूरी रिंग है बाइकों में लगने वाली। बाकी ये देख सकते हैं ये पूरे इसकी जो रस्सी है ये पूरी की पूरी रस्सी इस वायर से बना रखी है, जो वायर्स होते हैं ना दोस्तों वहाँ पर पूरा बनाया गया है। ये देख सकते हैं बाकी ये देखिए शायद ये कुछ अलग ही है। ये देखिए पाइप्स जोड़ रखे हैं, पाइप से पूरा बना हुआ है पैर इसके। ये देखिए बाकी यहाँ देखने को मिलता है, बाकी यहाँ एक और जानवर देखने को मिलता है लेकिन जैसे दोस्तों ये बैठा है इससे पता नहीं चल पा रहा ये बिल्ली है या फिर क्या है। ये देख सकते हैं बाकी पूरी तरह से काम किया गया है। ये देख सकते हैं ये देखिए पूरी पूंछ काम, ये देखिए पूरे बाइकों का ज़्यादा का इस्तेमाल, ये देखिए लाया आंखों में एक गोल सी चीज़ का इस्तेमाल किया गया, ये देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी पक्षी से हैं, ये देखिए बाकी ये देख सकते हैं दोस्तों ये पता नहीं दोस्तों अलग ही जानवर है। ये देख सकते हैं ये शायद पेड़ की शेप दी गई है और ये जानवर है, ये शायद चीता भी। बाकी दोस्तों आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है ज़्यादातर बाइक्स का। देख सकते हैं ये होंडा सिटी होंडा बाइक है, देखिए उसका आगे का ही बोनट लिया गया और ये हीरो होंडा है, ये देखिए उसके आगे का पूरा ये सिलेंडर का पूरा आगे का ये बोनट लेकर दोस्तों ये चीते को पूरी तरह बनाया गया है। ये देख सकते हैं हम और बाइक के जो आगे का मीटर होता है वो यहाँ लगाया गया है। ये देखिए पूरा उससे इसका हेड तैयार किया गया है और काफ़ी सारे ही रॉड से पूरा ये जो पूरा ये चीता ये पूरा तैयार किया गया है। देख सकते हैं पूंछ पे पूरे पाइप बांध रखे हैं, पूरे उससे पूरा तैयार किया गया है। बाकी यहाँ पर दोस्तों एक और मोर टाइप चीज़ें देखने को मिल गई है। बाकी इसका देखिए गाड़ी का पूरा आगे का बोनट ले रखा है, ये देख सकते हैं पूरा इस्तेमाल कर कर बनाया गया और ये शायद पैरट है। ये देख सकते हैं पैरट को तो काफ़ी बड़े साइज में बना रखा है और ये देखिए पूरी क्या क्या चीज़ें लगाई गई हैं बाकी सभी बाइक्स के सिस्टम से। ये देख सकते हैं पूरा उससे तैयार किया गया। ये देखिए हेड पर वायर, हेड पर इसके पूरे रॉड से बनाया गया। ये देखिए बाकी भाई ये देखिए पूरा नकली का पेड़ बना रखा है दोस्तों, ये देख सकते हैं और उस पर पूरी कितनी सुंदर सुंदर रॉड से बनाई गई चिड़ियाँ हैं। ये देख सकते हैं पेड़ बिल्कुल रियल लग रहा है, बिल्कुल वो भी रोड का बना हुआ ये पूरा पेड़ है। ये देख सकते हैं जिसपे छोटी छोटी चिड़ियाँ बना रखी हैं तो ये चीज़ भी काफ़ी अच्छी लग रही है। बाकी दोस्तों हो गया दोस्तों इस पूरे पार्क का फुल टूर, तो निकलते हैं दोस्तों यहाँ से बाहर की तरफ। ये देख सकते हैं बाहर का एंट्री है, ये आ गए हैं भाई यहाँ से बाहर। ये देख सकते हैं ये है पूरा मेन रोड, ये देख सकते हैं। तो बाकी दोस्तों जो जितना था दोस्तों मैंने इस पूरे जो एरिया है इसका पूरा फुल टूर करा दिया दोस्तों, बाकी दिखा दिया दोस्तों कितने सारे वेस्ट मटेरियल, काफ़ी सारे वायर्स और बाइकों के सारे जितने वेस्ट मटेरियल होते हैं बाइक्स की ब्रेक स्प्रिंग्स इन सभी इस्तेमालों से दोस्तों इस पूरे के पूरे जो वेस्ट मटेरियल G20 के जितने भी नेशनल एनिमल्स हैं उन सभी को यहाँ पर दर्शाया गया है। जो भी दोस्तों अध्यक्षता है सभी इंटरनेशनल कंट्रीज़ की उन सभी के दोस्तों यहाँ पर नेशनल एनिमल्स उनके यहाँ पर बनाए गए हैं वो भी वेस्ट मटेरियल से। काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों ये जो इन पूरे इन चीज़ों से ही पूरा का पूरा बनाया गया है। और दोस्तों मैंने इस पूरे इस एरिया का फुल टूर करा दिया है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का ही ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। आज का ही ब्लॉग आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।